अच्छा, तो मैंने ना अक्सर मैं प्यार पे ज्यादा लिखती हूँ, मैं थोड़ा सा दर्द भरी शायरी लोग बोलते हैं, तो अक्सर सवाल करते हैं कि आपका कुछ दिल टूटा हुआ है क्या, तो मैं बोलूंगी मेरा दिल कभी नहीं टूटा, क्योंकि अगर दिल टूटता ना तो शायद मैं यहाँ पर खड़ी होकर मैं बोल नहीं रही होती, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है टूटने के बाद। तो हाँ, दिल दुखा जरूर है पर टूटा कभी नहीं है। तो क्या बोलते हैं, उस वक्त लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी, मतलब अक्सर मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि प्यार को आप कैसे डिफाइन करना चाहते हो, मतलब प्यार आपके लिए क्या है, सच्चे प्यार की पहचान क्या है, तो मुझे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं। तो मैंने उसको ये कहा कि मैं इतनी बड़ी शायर तो नहीं हूँ कि जो प्यार इतने बड़े शब्द को डिफाइन कर सकूँ, इतने इतने शायर सब लोग गए और प्यार को कभी डिफाइन ही नहीं कर पाए, तो मैं कौन कैसे मैं डिफाइन कर सकती। तो मैंने बस उनको एक इंसिडेंट मैंने उनको सुनाया कि एक बार किसी शायर से किसी शख्स ने पूछा कि एक बार एक शायर से किसी शख्स ने पूछा, जनाब सच्चे प्यार की पहचान क्या? तो हंसकर उस शायर ने कहा कि वैसे तो बहुत है, पर अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए ना तो हाँ, रोना। तो उस पर मैंने ये शेर लिखा था कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है, कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है, कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। अगर इतना ही आसान होता रोना, कि अगर इतना ही आसान होता रोना, तो कभी किसी शख्स का दिल ना टूटा करता। कि बुरे लगने और रोने में फर्क होता है जनाब, यशकों को हर किसी पर बहाया नहीं जाता।